नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक अपील यही कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से बचाव में मास्क ही एकमात्र बड़ा हथियार है और इसके साथ ही वैक्सीनेशन भी जरूरी है। लेकिन आपको बता दें कि हमने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #MaskPehnoIndia, और एक बार फिर से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने और कोरोना से अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। पर आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इस वक्त की अहम खबर यह कि पुलवामा में आतंकियों ने बीजेपी नेता और त्राल में नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक राकेश पंडिता अपने घर के पास ही किसी दोस्त से मिलने उसके घर पर पहुंचे हुए थे कि तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए। फौरन हमले में घायल राकेश को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ से उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ उस दौरान वो सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ नहीं ले गए थे। वहीं इस हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में वहां सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया। इस बीच आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो घर के पास ही हमला हुआ था, इलाज के लिए पहुंचाया गया लेकिन राकेश पंडिता ने दम तोड़ दिया। त्राल में नगर पालिका अध्यक्ष थे राकेश पंडिता। लश्कर तैयबा ने हालांकि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है, हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। जानकारी यह मिल रही है कि सुरक्षाकर्मी हालांकि राकेश पंडिता को मिले हुए थे लेकिन जब वो निकले थे उस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं थे और इसी बात का फायदा आतंकियों ने उठाया। लेकिन सवाल यही है, कश्मीर में हिंसा कब थमेगी? सवाल यह भी कि बीजेपी नेता निशाने पर आखिर क्यों है, क्योंकि यह पहला मसला नहीं है। इससे पहले भी लगातार बीजेपी के नेताओं को आतंकी निशाना बना रहे हैं और इस सबके बीच एक और नेता पर हमला, राकेश पंडिता की हत्या कर दी गई। मैं ये चाहती हूँ कि इंसाफ मिले हमको, जिन्होंने भी ये कांड किया है हमको इंसाफ चाहिए। मैं बाकी जो आप यहाँ पे परिवार है ही तो ये सारा बिखरा पड़ा हुआ है। ये माँ है, वो भाई है, तो घर की हालत यही तो कमाते थे, सब कुछ यही करते थे। अब ये चले यहाँ पे सारा परिवार बिखर गया है। अब हमको, हम मोदी जी से यही करते हैं, वहाँ पे उसको यही बोलना चाहते हैं कि हमारा, हमको इंसाफ दो, हमको इंसाफ मिले, तो बस वही और कुछ नहीं। और इस बीच आपको बता दें बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या से पूरे कश्मीर में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ कई नेताओं की आतंकी हत्या कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आपके सामने ये तीन तस्वीरें। पहली तस्वीर बीजेपी नेता राकेश पंडिता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें आतंकियों ने घर के पास गोली मार दी और बाद में उनकी मौत हो गई। दूसरी तस्वीर राकेश पंडिता के घर वालों की है जिनका रो रो कर बुरा हाल है। और तीसरी तस्वीर है कुपवाड़ा की जहां राकेश पंडिता की हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन तीन तस्वीरों के बीच सवाल बड़ा है कि बीजेपी नेता आखिर क्यों निशाने पर, क्यों आतंकी लगातार बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी घाटी में लगातार बीजेपी नेताओं पर हमले होते रहे हैं और इस बार राकेश पंडिता की हत्या कर दी गई। लश्कर तैयबा की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा आक्रोश है और इस पूरे हमले की उनकी तरफ से निंदा की गई, यहां तक कि विरोध प्रदर्शन भी किया गया। तो आतंकियों की ये काराना हरकत, त्राल में बीजेपी नेता पर हमला, घर के पास ही आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी, इलाज के दौरान राकेश पंडिता की मौत हो गई। त्राल में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पंडिता जिनकी हत्या कर दी गई और इसकी जिम्मेदारी ली है लश्कर ए तैयबा ने इस पूरे हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस सबके बीच जिन आतंकियों ने यह हमला किया उनको भी तलाशा जा रहा है और बाकायदा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या के बाद घर में मातम पसरा है। पूरा परिवार सदमे में है, दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। हत्या से नाराज राकेश पंडिता के घर वालों ने आतंकियों के सफाई की मांग उठाई है। अब जो सीधी सी ये वहां पर एक अपना वहां पर तिरंगा लहराने गया था, अब वहां का काम करने के गया था, वहां पर तिरंगा लहरा था। अब ये उसने एक किस्म की कुर्बानी अपने देश के लिए दे दी है। अब सरकार को ये चाहिए कि जो इसका पीछे परिवार पड़ा है, जिसका कोई, यही तो एक अर्निंग मेंबर था सरकार इस फैमिली में, तो अब इसके लिए इसको सरकार को सोचना चाहिए कि इसकी फैमिली को कैसी आर्थिक सहायता मिले।
ये पापा ही जो थे हमारे घर के एक कमाने वाले थे, अब उनकी डेथ हो गई है। मेरे घर पे मेरे चाचू जो हैंडीकैप्ड है और दादी हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, वही घर पे कमाने वाले थे, अब उनकी डेथ हो गई। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि उनकी अगर साजिश है तो इंक्वायरी की जाए और पता किया जाए कि इनके इस सिचुएशन के पीछे कौन कौन थे। वो कहते थे जब भी घर पे भी होते थे, कहते थे मैं ये करूँगा, मैंने ये किया, अच्छे काम, मैं भी खुश होता था कि पापा ने, प्राउड था मैं काफी। तो घर वालों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आतंकियों का सफाया हो, इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई हो, सरकार से मदद की भी गुहार परिवार वालों की तरफ से, क्योंकि राकेश पंडिता इकलौते कमाने वाले थे। परिवार का यह भी कहना है कि उन्होंने तिरंगा फहराया था जिसका आतंकियों ने इस तरीके से जवाब दिया, उनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और ये पहला मसला नहीं है, इससे पहले भी लगातार इस तरह के हमले होते रहे हैं पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरीके से कश्मीर में हिंसा हो रही है कब तक ये हिंसा होगी। राकेश पंडिता की हत्या से कश्मीर घाटी में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी नेताओं ने इस घटना की जमकर निंदा की और ये भरोसा दिया कि राकेश पंडिता की हत्या करने वाले आतंकियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे, ये जो डेथ हुई है, जो कत्ल हुआ, राकेश पंडिता जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े जांबाज कद्दावर हमारे वर्कर थे और उन्होंने हमेशा कश्मीर घाटी में तिरंगा झंडा बुलंद रखा। कश्मीर के त्राल जैसे एरिए से वो चुने हुए कारपोरेटर थे, वहाँ के म्यूनिसिपल कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने हमेशा वादी कश्मीर में तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में छुपकर पीठ पर वार किया, हमला किया और उसमें राकेश पंडिता जी शहीद हो गए, अपनी जान गंवा बैठे। एक तरफ सारी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के ये कायर दहशतगर्द आतंकवादी हमला करके कश्मीर को इन्होंने लहूलुहान किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेकों अनेक कार्यकर्ता, उनको मौत देने का प्रयास किया गया और मौत दी है। उनका यह बलिदान जिसका परिणाम है कि पूरा जम्मू कश्मीर अब एकजुट होकर राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहा है और ये बलिदान ना पहले व्यर्थ गए हैं ना अब व्यर्थ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और इस तरह का अमानवीय और जघन्य अपराध करने वालों को कभी भी नहीं बख्शा जाएगा, ना उनको बख्शा जाएगा ना उनके आकाओं को बख्शा जाएगा। ये बात उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की हत्या करना, किसी भी व्यक्ति की बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ किसी की भी हत्या बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और उसका उनको हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ देना पड़ेगा। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों की इस काराना हरकत की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पुलवामा के त्राल में पार्षद राकेश पंडिता की हत्या के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैं हमले की कड़ी निंदा करता हूं, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता राकेश पंडिता की हत्या के विरोध में आतंकियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने लश्कर तैयबा के सरगना आतंकी हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर के पोस्टर को पुतले पर लगाया और फिर उसमें आग लगा दी। दहशतगर्द भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को टारगेट करते हैं, डराते हैं। मैं इनसे वाजिया करना चाहता हूं, ये वो जानी निसार है हिंदुस्तान के, न आपके धमकियों से डरेंगे न हकीकतन में। आप कितने लोगों को
हिंदुस्तान के लिए शहीद करोगे, ये तब भी मुमकिन नहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में डर होगा। बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कश्मीर में चुनावी राजनीति में शामिल कई राजनेताओं की हत्या की गई है। बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता का नाम भी उन्हीं नेताओं में शामिल हो गया है। मैं इस हमले की निंदा करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। उधर पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी नेता की हत्या पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि बीजेपी नेता राकेश पंडिता की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इन हिंसक घटनाओं ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ दुख ही पहुंचाया है। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। गाजियाबाद पुलिस ने दासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की साजिश के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों से फिलहाल पूछताछ कर सच खंगालने में जुटी है। मंदिर के सेवादारों ने शक होने पर परिसर में घुसे दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों की तलाशी ली गई। दोनों के पास से धारदार हथियार और संदिग्ध दवाइयां भी बरामद की गई। पकड़े गए दोनों आरोपी रिश्तेदार हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दोनों रात 9 बजे मंदिर में घुसे थे, जिन्हें सेवादारों ने पकड़ लिया था। उधर इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। तो इस पूरी हत्या में दो आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, लेकिन जानकारी है कि पूरे मामले की जांच हो रही है। पुलिस पूछताछ कर इन दोनों आरोपियों से सच निकालने में जुटी है। मंदिर के सेवादारों ने शक होने पर परिसर में घुसे दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों की तलाशी ली गई। दोनों के पास से धारदार हथियार और संदिग्ध दवाइयां भी बरामद हुई। पकड़े गए दोनों आरोपी रिश्तेदार हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले। दोनों रात 9 बजे मंदिर में दाखिल हुए थे, जिन्हें सेवादारों ने पकड़ लिया था। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर के बाहर पुलिस के जवान तैनात हैं और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दासना देवी मंदिर के बाहर और यहाँ के महंत की हत्या करने के आरोप में पहुंचे यहाँ पर दो लोगों को लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये वही मंदिर है जिसके महंत को की हत्या करने के लिए दो लोग, बताया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र से यहाँ पहुंचे थे। बीते कल रात 9 बजे का ये पूरा मामला है। 9 बजे दोनों आरोपी दाखिल हुए थे इस मंदिर परिसर में और इसी वजह से आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के काफी जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो लोग यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं बाकायदे उनका यहाँ पर रजिस्टर में नाम वगैरह सब कुछ लिखा जा रहा है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। तकरीबन 15 से 16 दिन पहले बताया ये जा रहा है कि कश्मीर से एक आतंकी दिल्ली पहुँचा था, वो भी महंत की हत्या करना चाहता था, वो आतंकी बताया जा रहा था। अब फिलहाल उस मामले में भी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि अभी दो बीते कल रात को दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से संदिग्ध सामान भी बरामद हुए हैं, आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। फिलहाल लोकल पुलिस जो है मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो लोग मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं उनका बकायदे पूरा नाम फोन नंबर वगैरह के साथ यहाँ पर लिखा जाता है। एक नज़ारा हम आपको ये मंदिर परिसर का दिखा रहे हैं। सेवादारों को सबसे पहले शक हुआ था, जिसके बाद सेवादारों ने पहले सबसे पहले उनका जो दोनों आरोपी थे उनके उनका बैग वगैरह देखा गया। बैग चेक करने के बाद लोकल पुलिस को जानकारी दी गई। लोकल पुलिस पहुंची और उसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये बता रहे कि नागपुर से आए हैं, नागपुर से अब पता नहीं कौन क्या करने आए थे, वो सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड लेकर। ये तो पुलिस जांच करके बताएगी। और मैं शाम के समय मंदिर के बाहर चला गया था, ना मैं मंदिर में था और ना ही मेरे साथ रहने वाले मेरे शेर, मेरा जो वैनगार्ड है अरावल दस्ता, कोई भी मंदिर में नहीं था। कि मैं अपने जो हमारे सती सरस्वती दयानंद स्वामी जी है, मैं उनके दर्शन किया। सर्जिकल ब्लेड किस काम किए तुम्हारे? हाँ सर, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, एक कपिंग थेरेपी नाम की एक ट्रीटमेंट होती है। मैं इसलिए लग रहा था उससे पहले मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो दो आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, क्या इनके पास से और जानकारी पुलिस के हाथ लग पाई है?
देखिए दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों आरोपियों पर आरोप है कि वो जो मंदिर के महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, उनकी हत्या करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, ऐसा इस मंदिर के सेवादारों का आरोप है। मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा दूँ, जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद से यूपी पुलिस के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है। लोकल पुलिस की तरफ से यूपी पुलिस के जवान हर उस शख्स पर पैनी नजर बनाए हुए हैं कि जो मंदिर परिसर में दाखिल हो रहा है, उनका बकायदे पूरी डिटेल ली जा रही है, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उनका नाम फोन नंबर एड्रेस लिखा जा रहा है यहाँ पर रजिस्टर में। और इसी मंदिर के अंदर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था बीती रात 9 बजे। दोनों बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी मंदिर परिसर में दाखिल हुए थे, सेवादारों को शक हुआ और शक होने के बाद उनकी तलाशी ली गई, तो धारदार हथियार और कुछ दवाइयां उनके पास से बरामद हुई। उसके बाद लोकल पुलिस को जानकारी दी गई, लोकल पुलिस हरकत में आई, दोनों को गिरफ्तार किया। और फिलहाल इस वक्त की जो खबर है कि अभी भी उनसे पूछताछ जारी है, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र के नागपुर के बताए जा रहे हैं, और उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वो पहले भी गाजियाबाद के डासना वो आ चुके हैं, या अगर नहीं आए हैं या फिर आ चुके हैं तो उनके पास जो मंदिर के महंत हैं उनकी पूरी एक्टिविटी का नॉलेज कैसे है, कैसे उनको जानकारी थी कि रात के 9 बजे के बाद महंत क्या क्या करते हैं। तो ये वो तमाम सवाल है जो पुलिस अभी भी जानना चाहती है। और फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में जो है पुलिस के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है। ठीक है, हमें दो तस्वीरें एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा दें कि आखिर इस पूरे मामले में अब जिन दो लोगों को हिरासत में लिया गया है उन दो लोगों से पूछताछ हो रही है, पूरी साजिश क्या थी इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन जानकारी ये कि जिन दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और पकड़े गए ये दोनों आरोपी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इन सबसे इन दोनों से पूछताछ कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा षड्यंत्र क्या था। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, ये जो दो आरोपी पकड़े गए हैं, इन पर किस तरीके से सेवादारों को शक हुआ और क्या मकसद पुलिस को समझ आ पा रहा है इस पूरी साजिश का? देखिए ये दोनों आरोपी तो सबसे पहले रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, तो जो अभी तक सोर्सेस बता रहे हैं, क्योंकि जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की है तो दोनों आरोपियों ने ये कबूला है कि वो दोनों रिश्तेदार हैं, जीजा और साला हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि मंदिर के बाहर की तस्वीर है, और इस तस्वीर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, इस तरीके की लाइनें यहां पर लिखी हुई है। और जो पुलिस से जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ में ये सामने आया है कि जो एक शख्स है वो एक आरोपी जो है वो अपना नाम यूसुफ बताया। फिलहाल पुलिस और डिटेल लेने की कोशिश कर रही है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जहां के वो रहने वाले हैं नागपुर के, वहां पर भी पुलिस लोकल पुलिस से भी पुलिस ने संपर्क किया है और उनकी डिटेल लेने की कोशिश हो रही है। देखिए 15 दिन पहले घाटी से एक आतंकी दिल्ली पहुंचता है और वो उस आतंकी पर आरोप है कि वो भी महंत की हत्या करने के लिए घाटी से दिल्ली पहुंचा था। पुलिस ने इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, पूरी जानकारी दी थी, पूरी डिटेल दी थी, और उसके 15 दिन बाद ठीक ये दो आरोपी गिरफ्तार होते हैं मंदिर परिसर के अंदर से, जिनके पास से धारदार हथियार और दवाइयां बरामद होती है। तो यह मामला जांच का विषय है, पुलिस लगातार इसमें जांच कर रही है। पुलिस किसी भी तरीके से कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहती है, क्या कोई किस मंशा से इस मंदिर परिसर में पहुंचा था वो जानकारी हासिल करना चाहती है। लेकिन मंदिर के महंत का सीधा सीधा यह कहना है कि उनकी हत्या करने के लिए, महंत की हत्या करने के लिए ये दोनों आरोपी यहां पहुंचे थे। अब पुलिस जब इस पूरे मामले में खुलकर कहेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या डिटेल देगी, तो उस बारे में मालूम चलेगा। लेकिन अभी शुरुआती जांच है, पुलिस लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अमित, रहिए आप हमारे साथ। और इस बीच बता दें कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस टीम पर हमले की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। पुलिस टीम पर उस वक्त हमला हुआ जब वो एक गांजा तस्कर के ठिकाने पर दबिश देने के लिए पहुंची थी। बहस और बदसलूकी के बाद आरोपियों ने दरोगा और सिपाहियों से मारपीट शुरू कर दी और दरोगा को बंधक बना लिया। इस दौरान दरोगा की वर्दी भी फाड़ डाली गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ही बंधक पुलिसकर्मी का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस टीम पर यह पूरा हमला हुआ है और यह वीडियो सामने आया, दरोगा से मारपीट की गई। ग्रेटर नोएडा का मामला, 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार अभी तक किए जा चुके हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, पुलिस टीम पर हमला, क्या और जानकारी इस पूरे मामले पर?
देखिए पुलिस टीम पर हमला तब हुआ जब पुलिस को यह जानकारी मिली कि जेवर के गांव में वहां पर गांजा तस्करी की जा रही है, ड्रग पेडलिंग की जा रही है, जिसके बाद पुलिस जो है वो वहां पर छापेमारी करने जाती है। 4 पुलिस के जवान वहां पर पहुंचते हैं, जिसमें से कुछ जो है वो वर्दी में होते हैं तो कुछ सिविल में होते हैं, तो उन्हें वहां पर बंधक बना लिया जाता है, बाकायदा वीडियो भी बनाया जाता है। ये मामला काफी गंभीर है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद पुलिस लगातार रेड करती है और जो आरोपी होता है उस आरोपी को पुलिस उसके बाद गिरफ्तार करती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को बंधक बनाया जाता है और पुलिस के सामने ही मोबाइल से वीडियो बनाया जाता है, यह मामला काफी संगीन हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो बदमाशों में पुलिस को लेकर खौफ होना चाहिए, वो खौफ कहीं ना कहीं जेवर इलाके में वो जाता दिख रहा है, पुलिस का वो खौफ। और जाहिर तौर पर इसी वजह से जो है पुलिस काफी ज्यादा हरकत में आई। हालांकि पुलिस हरकत में उस वक्त भी आई जब पुलिस को यह इनपुट मिला, यह जानकारी मिली कि गांव में ड्रग पेडलिंग की जा रही है, गांजा की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शुक्रिया। तो मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, लेकिन पुलिस टीम पर हमला, तो ये बेहद गंभीर मसला। पुलिस वालों पर हमला किया गया ग्रेटर नोएडा में। देश अब भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन इसका खतरा भी टला नहीं है। लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान को शुरू कर दिया गया है और हर किसी से अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां के गांव में रहने वाले कोरोना वैक्सीन लेने से दूर भाग रहे हैं। और इसी से जुड़ी ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मथुरा की है, जहां लोगों ने वैक्सीन लगवाने से ही साफ इनकार कर दिया। और दूसरी तस्वीर हरियाणा के नूह की, यहां भी अफवाह की वजह से लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के इटावा की, यहां भी लोगों ने अंधविश्वास की वजह से कोरोना का टीका लगवाने से वो डरते दिखाई दिए। तो वहीं चौथी तस्वीर है बिहार के दानापुर की, जहां स्वास्थ्य कर्मियों के लाख समझाने के बाद भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 5वीं तस्वीर बरेली की है, यहां भी अफवाहों का असर देखने को मिला। वैक्सीनेशन के लिए गई टीम को बिना टीका लगवाए ही बैरंग वापस लौटना पड़ा। तो अब ये 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में टीकाकरण को लेकर डर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मौजूद चौकीपुरा गांव में रहने वाले लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन पर कई तरह की अफवाहें फैली हैं, जिसकी वजह से इस गांव के लोगों ने टीका लगवाने से साफ इनकार कर दिया। इस गांव की आबादी करीब 1800 है। कुछ दिन पहले इस गांव में वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम पहुंची थी, लेकिन वहां सिर्फ 10 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। न्यूज 18 की टीम इस गांव में पहुंची और उनसे कारण पूछा, तो वहां के लोग अजीबोगरीब बहाना बनाते दिखे। किसी ने वैक्सीन को नकली बताया तो किसी ने वैक्सीन की वजह से लोगों की मौत होने का दावा कर दिया। न्यूज 18 इंडिया की टीम नगला संजा गांव में है, जो कि मथुरा जिले में है, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर। आप बताइए क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें डर है, क्या स्थिति? आप लोग तो घरों में जाते हैं। डर इसलिए है कि पहला फर्स्ट टीका लगवाने के बाद लोगों में बुखार की स्थिति पैदा हुई है और कुछ लोग इस बुखार आने से घबरा गए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि दूसरा टीका आने लगने से भी हमें यही स्थिति होगी, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि ये हमारे लिए सेफ है, हमें ये लगवाना जरूरी चाहिए सबको। हम तो बहुत समझाते हैं फील्ड में कि आप लोग ये टीका लगवाइए, जिससे कि आप लोग सेफ रह सकते हो आगे आने वाली बीमारी से। ऐसी बात है, आप लोग भी जहाँ जाते हैं ऐसी बात है सब जगह। प्रधान जी, आपने कहा कि बहुत लोगों ने टीका ले लिया, लेकिन फरवरी से लेकर अब तक तो काफी वक्त बीत गया। फरवरी में अच्छी खासी संख्या थी, मैंने रजिस्टर देखा, लोग आते थे। अभी आपको दिखाना चाहेंगे ये संख्या, देखिए अभी तक सिर्फ 9 लोगों ने यहाँ टीका लगवाया है। कल की 9 लोगों का है, इससे पहले ये है, ये कितने लोगों की? 50 में से ये कल का है, ये कल का है, ये सराय का, से ये दूसरी जगह का, यहाँ का जो है, यहाँ का रजिस्टर, यहाँ का रजिस्टर तो ये है, ये पहले के हैं। आज का तो 9 है सिर्फ, आज का यहाँ सिर्फ 9 लोगों ने टीका लगाया। इसके पहले जब यहाँ टीका लग रहा था कितने लोगों ने लगवाया? कभी 60, कभी 50, कभी 70, नहीं उस समय फरवरी की बात नहीं कर रहा, अभी 90 तक भी लगे, लेकिन अभी लोग कम आने लगे। ये कहाँ का है? संजय नाला का। कितने लोगों ने लगवाया? देखो ये टिक के निशान है, सबने लगवा लिए। ये रहे, और ये रहे जी,
और ये रहे टीके लगे हुए, सबने लगवा लिए। तो इन लोगों ने कब टीके लगवाए, इस बार के फरवरी में? किसी ने अप्रैल में, किसी ने फरवरी में, किसी ने मार्च में, ऐसे करके लगवाए। तो दिक्कत दूसरे टीके में हो रही है? दूसरे टीके में कुछ दिक्कत हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। आ रहे हैं यहाँ पर, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। समझाते हैं तो आ जाते हैं, कुछ भ्रांतियाँ हैं जो दूर कर देती हैं, आशाएं बहन जी जाती हैं हमारे साथ तो लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक नगला संजा ग्राम पंचायत की स्थिति से हमने आपको अवगत कराया कि क्या यहाँ स्थिति है। बहुत लोग जो हैं जिनमें बुखार हुआ था वो डर रहे हैं, कई तरह की अफवाहें फैली हैं कि टीका लगाने से मौत हो सकती है। इस तरह की गलत अफवाहों के बीच जो है कुछ लोग डर तो रहे हैं, लेकिन आशा वर्कर जाते हैं, उनको बुलाने की कोशिश करती हैं। ये था एक रैंडम, मैंने चेक किया एक स्वास्थ्य केंद्र में तो पाया कि पहले के तुलना में लोग थोड़े कम आ रहे हैं टीका लगवाने। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तो इस स्थिति से दो चार नहीं होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, नगला संजा, मथुरा। उधर यूपी के बरेली में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। बरेली के फरीदपुर में लोगों ने वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। गांव की महिलाओं ने भी वैक्सीन लगने पर बुखार आने की बात कहकर स्वास्थ्य विभाग की टीम को वापस कर दिया। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है, लोगों को समझाती भी है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार ही नहीं, जागरूकता की कमी। हालांकि अलग अलग जगहों पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो प्रशासन को जागरूकता अभियान को और तेजी के साथ उन इलाकों तक भी पहुंचाना चाहिए जहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उनके अंदर ये भ्रांति हो गई है कि टीका लगने से ऐसा है, हमें अभी बुखार नहीं है, टीका लगने का बुखार हो जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे, तो इस वजह से लोग डर रहे होंगे। अगर उन्हें समझाया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा तो उनकी समझ में आएगा, टीका लगवाएंगे लोग। अभी कुछ समय दो दिन पहले हमारा टीकाकरण थोड़ा कम हुआ था, अब जब मोबिलाइजेशन शुरू किया गया टीका प्रकरण हमारा फिर से बढ़ने लगा है। उधर नूह में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद यहाँ के एक सेंटर पर लोगों को टीका लगना शुरू हो गया। टीकाकरण शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 इंडिया का धन्यवाद दिया और नूह में कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसी अफवाह फैली थी कि वहां एक समुदाय के लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। हालात ये थे कि एक वैक्सीन केंद्र पर पिछले 3 दिनों से एक भी आदमी टीका लगवाने नहीं पहुंचा था। लोगों को टीकाकरण के लिए तैयार करने के लिए प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद ली। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद नगीना इलाके में 3 दिन बाद टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है और दूर दराज के इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी इस तरीके से टीका लोगों को लगा रहे हैं, एक एक करके बारी आ रही है और टीका लोगों को लग रहा है। हम स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते हैं। मैम ये बताइए, मंडे को क्या लगा था टीका? नहीं सर, मंडे को मंथली मीटिंग थी हमारी। मंगलवार को लगा था? नहीं सर, मंगलवार को भी नहीं लगा था। बुधवार को कल एक भी टीका लगा था? टीका नहीं लगा था, बाकी हमारा आरआई का सेशन था क्योंकि 45 प्लस वाले ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ये बताइए, अब इस हफ्ते के चौथे दिन इस तरीके से टीका लगना शुरू हुआ है, न्यूज 18 इंडिया की इस पहल को आप किस तरीके से देखती हैं? जी बिल्कुल, बहुत सराहनीय है, मतलब इतने लोग मोटिवेट हो रहे हैं आपके आने से तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, क्योंकि हम प्रॉपर मंडे टू सैटरडे वैक्सीनेशन करते हैं पीएचसी पे, लेकिन हम लोग शाम तक 4 बजे तक वेट करते रह जाते हैं, वहाँ पीएचसी पे कोई भी नहीं पहुँचता। ठीक है, तो अगर आप लोगों के मोटिवेशन से कुछ हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगी आप? ये महिलाएं हैं, कुछ झिझक रही हैं बोलने में। बहन आप बताओ, न्यूज 18 इंडिया की इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अच्छी बात है कि हम मंडे टू फ्राइडे सेशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पीएचसी पे कोई भी नहीं पहुंच रहा है और आपकी हेल्प से आज बहुत अच्छा सेशन हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो देखिए, मनोबल कैसे स्वास्थ्य कर्मियों का होता है, ये आज हमारी इस खबर दिखाए जाने के बाद इनके ऊपर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जोश और उत्साह से जब जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, ये भी उतने जोश से टीकाकरण अभियान यानी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ अमित पांडे, नूह, हरियाणा, न्यूज 18 इंडिया।
जब लोग नहीं पहुंच रहे हैं तो खुद वैक्सीन सेंटर लोगों तक पहुंच रहा है, और हरियाणा के नूह इलाके में जहां पर वैक्सीनेशन की दर बहुत कम है, वहां पर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए इस तरीके की पहल अपनाई गई। न्यूज़ 18 इंडिया ने यह खबर दिखाई है कि 3 दिन तक नगीना के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एक भी शख्स ने वैक्सीन नहीं लगाई, और उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रियता दिखी। 4th दिन यहां पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है और यहाँ पर लोगों को टीका लगना शुरू हुआ है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस हफ्ते के इस 4th दिन करीब 35 से 40 लोगों को टीका लगाया जाएगा। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर हैं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हफ्ते में कि 4th दिन पहली बार ये टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारा प्रयास है, पूरे जिले में ही हम इस तरह के कैंप लगा रहे हैं। मैं इस कोविड टीकाकरण का जिला संयोजक भी हूँ। ये बताइए कि न्यूज 18 इंडिया ने खबर स्टोरी कवर की थी, तीन दिन तक एक भी शख्स इस जगह पर नहीं आया था टीका लगवाने, और जब हमने ये खबर दिखाई तब ये सक्रियता सामने आई। नहीं, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने जो ये खबर दिखाई थी और उसका भी ये अच्छा फल हमें मिला है। लोग जागरूक भी हुए हैं, आपने जो जागरूकता फैलाई थी उसका भी परिणाम अच्छा निकला है, और सबके प्रयास से ही ये टीकाकरण सफल हो रहा है। जागरूकता कम है, कुछ अनपढ़ लोग हैं, कुछ गलतफहमी है, इस कारण वो कम लगवा रहे हैं टीका। जैसे जैसे जागरूकता हो रही है तो लोग आ रहे हैं टीका लगवाने के लिए, और अब धीरे धीरे ये है सभी लगवाएंगे, उम्मीद है। न्यूज 18 इंडिया की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? हम न्यूज इंडिया की पहल को बहुत अच्छा है, इससे लोगों को में और जागरूकता फैलेगी, और आपको हमारा निवेदन है कि आप भी और आगे प्रचार करें जो लोग ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं। तो इस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि बराबर अगर सोशल मीडिया पर या भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं तो उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा, और यही कोशिश है मिलकर न्यूज 18 इंडिया के प्रयास के साथ कि लोग आए, नगीना के लोग, और यहाँ पर टीका लगाएं। कैमरा पर्सन कर्म सिंह के साथ अमित पांडे, नगीना, नूह में बात, हरियाणा, न्यूज 18 इंडिया। लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह का भ्रम फैला हुआ है, इसकी एक हैरान कर देने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के इटावा में सामने आई। यहाँ चांदनपुर गांव में कोरोना का टीका लगवाने से बचने के लिए बुजुर्ग महिला अपने घर में रखे गेहूं के ड्रम के पीछे छिप गई। बुजुर्ग महिला को लोगों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। बुजुर्ग महिला ने इस बात का डर जाहिर किया कि अगर वो टीका लगवा लेगी तो उसे बुखार आ जाएगा। इसी डर से वो कमरे के अंदर छिपी रही, और इसी बीच गांव में चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में लोगों को जागरूक करने पहुंची बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया भी। बुजुर्ग महिला को समझाने पहुंची, लेकिन उनकी अपील का भी महिला पर कोई असर नहीं हुआ। अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए? अम्मा, कहां तुम हो? अम्मा, अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? हम बुखार आ गए तो कब नहीं लाऊंगा। अच्छा, अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा, बाहर आओ, अम्मा बाहर आओ, बिदाई की बुला रही हूँ। हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे, बाहर चलो मिलो तो आपको क्या बता रहे हैं, सुनो तो कम से कम। बात कर रहे हैं आप, डर के आप जा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके की दहशत है लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर। हालांकि बार बार सरकार प्रशासन लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन ही बड़ा हथियार है, वैक्सीन सबको लगाई जानी है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कई लोग ऐसे हैं जो भ्रम पर यकीन कर इस तरह से वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी की विधायक भी यहां पर पहुंची थी, महिला को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन हालात ये हैं कि लोग समझने को भी तैयार नहीं है, ये जानने को भी तैयार नहीं है कि आखिर उनको वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है, क्यों वैक्सीनेशन जरूरी है। और इसी तरह का ये मामला उत्तर प्रदेश के इटावा से, एक बार फिर से सुनिए कैसी दहशत है लोगों में भ्रम पर यकीन करने के बाद। वैक्सीनेशन वाले आए? अम्मा, कहां तुम हो? अम्मा, अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा, अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा, विधायक जी बुला रही, बाहर आओ, अम्मा बाहर आओ, अम्मा बाहर आओ, विधायक जी बुला रही।
आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो आपको किस क्या बता रही है, सुनो तो कम से कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह की एक और तस्वीर बिहार के दानापुर से सामने आई, जहां कोरोना का टीका लगवाने से लोग इनकार करते दिखे। फुलवारी शरीफ में प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के लाख समझाने के बावजूद भी कुछ लोग कोरोना का टीका लगवाने को तैयार नहीं है। लोगों को डर है कि टीका लगवाने से वो बीमार पड़ जाएंगे, लिहाजा वो किसी भी कीमत पर टीका लगवाने को तैयार नहीं दिखे। अफवाहों के भ्रम में फंसे ऐसे लोगों को प्रशासन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ये समझने को तैयार नहीं हुए कि इस वक्त कोरोना का टीका लगवाना कितना जरूरी है। हद तो उस वक्त हो गई जब भ्रम में फंसे ऐसे लोग अपने परिवार के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी वैक्सीनेशन सेंटर जाने से रोक रहे हैं। तो ना तो खुद वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और ना ही अपने रिश्तेदारों को लगवाने दे रहे हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अफवाहों पर यकीन कर वैक्सीन से भाग रहे हैं। बिहार के दानापुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया, जहां पर टीके को लेकर फैली अफवाह पर कुछ लोगों ने यकीन किया। हालांकि बहुत सारा तबका ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद आगे बढ़ चढ़कर वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति टीके को लेकर बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में वैक्सीन के प्रति लोगों का रिफ्यूजल है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अफवाह फैला दी गई है कि वैक्सीन लेने से लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद, जिससे लोग भयभीत हो गए हैं, खास करके देहाती क्षेत्रों में। उन लोगों को समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे वैक्सीन दिलवाने के लिए। जो लोग को डर है, लोगों के बीच जो भय है, भय दूर किया जाएगा। और इसी बीच राजकोट की डीएम ने भी लोगों से अंधश्रद्धा और व्हाट्सएप पर चल रही खबरों पर यकीन ना करने और वैक्सीन लगवाने की अपील की। जो भी 45 प्लस है, आपके माता पिता हो या दादा दादी हो, सबको प्लीज़ आप वैक्सीनेट करा लीजिए, क्योंकि थर्ड वेव में ये वैक्सीन ही एक सुरक्षा कवच है हमारे पास, जिसके कारण से सेकेंड वेव में जितने लोग वैक्सीनेट हुए थे उनको कम बीमारी हुई थी। तो थर्ड वेव के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे मेरा फिर अपील। मुख्य क्या कारण सामने आ रहे हैं वैक्सीनेट के लिए आगे? अंधश्रद्धा हो, गैर मान्यता हो और डर। तो आपको बता दें कि डीएम की तरफ से भी हालांकि यहां पर अंधश्रद्धा और व्हाट्सएप पर जो खबरें चल रही हैं उन पर यकीन ना करने की अपील की जा रही है और ये अपील हो रही है कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में डर बना हुआ है। सवाल ये है कि वैक्सीन से डर क्यों है, क्यों लोग इनकार कर रहे हैं, जबकि कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और इस बार जो दूसरी वेव थी उसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली, और इसीलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन बेहद जरूरी है। मतलब नुकसान दे रहा है या वजह से ना लगवाया ना कोई आयो ही। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद नगीना इलाके में 3 दिन बाद टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है।